सेठ जी आया नहीं लगता है? यार ये ऑफिस तो किसी बहुत गरीब आदमी का लगता है भाई, पगार वगैरह देगा कि नहीं? अबे नहीं देगा तो साले के हलक में उंगली डाल कर निकाल लेंगे। हम दुनिया का खाते हमारा कोई खा सकता है क्या? वैसे मार्केट में खबर है इस कंपनी के बॉस के पास बहुत पैसा है, लेकिन इस ऑफिस की हालत ऐसे कबूतर खाने जैसी क्यों है भाई? या तो साले की अंडरवर्ल्ड वालों से फटती होगी या तो दिल का फर्टीचर होगा। अरे भाई उसको बोल साला सामने आए और एक अच्छी सी नौकरी देकर जाए। ओ ओ अंकल, ओ जरा वो बुढ़ाओ को बुलाओ ना यार। किसको बुलाओ? आपके सेठ मिस्टर केलकर को। हाँ। बुलाइए। सब लाया ना, पेपर सीख लाया है? अरे हाँ, ये लंगोट ने पकड़ा डाला यार। देख लो यार एक बार, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, संभाल तो ठीक। अबे सटिया गए हो क्या? अरे बॉस की कुर्सी पर मत बैठो, अगर वो आ गया ना तो लात मार कर निकाल देगा, और इस उम्र में तो भी अगरबत्ती बेचने भी नहीं रहे। मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ केलकर। सर आप मतलब आप सर बैठो। मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप जैसे लोगों की वजह से हमारा देश बर्बाद होने से बच रहा है सर। सर आपके यहाँ नौकरी करके हम अपने आप पर फक्र महसूस करेंगे सर। और तुम लोगों को नौकरी देके मुझे अपने आप में शर्म आएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सूरज लेकर भी हम जैसे अगर आप वर्कर ढूंढे ना तो भी नहीं मिल सकते सर। मुझे मेहनत कश इंसानों की जरूरत है। मार्केटिंग का जॉब जूते घिसने का जॉब है, बाप की मर्सिडीज में घूमने वालों का नहीं। सर सर आप हमें एक चांस तो दीजिए सर, जूते क्या हम अपने पैर घिस देंगे सर। मुझे तुम लोगों को चांस देके चांस नहीं लेना है, खड़े हो जाओ। गांधी जी ने इस देश के युवकों से क्या क्या उम्मीदें रखी थी और खड़ूस। चल अपना मचमच बंद कर, समझा क्या? और वैसे भी आप उनको ऐसे पकेले और फटेले जगह में काम नहीं करने आए क्या? चल चंटू। हाँ।